वृंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परम धियम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थाश्वदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् विद्यातिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। पावकानः सरस्वती बाजीभिर्बाजिनीमती तया यज्ञं वष्टु धिया वसुः ईशा भक्त्या तव विरचिता यामया देवि पूजा श्रीकृतीनां सपदि सकलां मे पराधां क्षमस्व। नूनं यत्तत्तव करुणया पूर्णतामेतु सत्या सानन्दं मे हृदय कमले तेस्तु नित्यं निवासः। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडितं बरायां गुञ्जाबतं सपरिपे छलसन्मुखायां वन्यस्रजे कवलनेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाया
हेयं ध्यायेत् नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं वनसमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतममर्गणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करिचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो नमः शिवाय शान्ताय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः मनोजपं मा रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंदन कियो नाशत बेघने एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध जे जे श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय राधा चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर जय 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 माखन चोर श्री
पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वइष्ट देवता श्री नरोंकाराय नमो नमः। आइए सभी लोग शांत चित्त होकर के स्वयंभू शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा हुई है आज इस पुण्य दिवस में, श्रावण के इस पुण्यतम मास में आपकी यह शुभदायिनी ज्ञानदायिनी सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाली इस गंगा में हमें गोता लगाने का यह पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी लोग भगवान श्याम सदाशिव का ध्यान करेंगे, अपने मुख से सभी लोग भगवत नाम कीर्तन करेंगे। बोल बोले शंकर भगवान की। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। हठोरी मन मेरे ओम नमः शिवाय। हजूरी मन मेरे ओम नमः शिवाय। जपोरी मन मेरे ओम नमः शिवाय। जपोरी मन मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भगवान की। आनंद से तालियों का साथ दीजिए और सुंदर बोली।
चली रे भोलेनाथ की शरण, चलो चलिए रे भोलेनाथ की शरण, भोलेनाथ की शरण, भोलेनाथ की शरण, ओ भोलेनाथ की शरण, भोलेनाथ की शरण, शंभुनाथ की शरण, शंभुनाथ की शरण, शंभुनाथ की शरण, शंभुनाथ की शरण, चलो चलिए रे भोलेनाथ 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 की शरण। जय हरि। सभी लोग भाव से भगवान श्याम सदाशिव करते हैं। Yeah.
हो नमः शिवाय भटूरे मन मेरे शिवाय भटूरे मन मेरे हो नमः शिवाय हो नमः शिवाय हो नमः शिवाय हो नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय पिपलेश्वर महादेव की जय शंकर भगवान की जय क्वीनेश्वर महादेव की जय जगदम्बा भवानी की जय श्री शिव महापुराण की जय गंगे मैया की जय बद्रीनाथ धाम की जय केदारनाथ धाम की जय सिद्ध महापुरुषों की जय संत महामुनियों की जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगलमय परात्परखिलेश्वर करुणा अवतार करुणा के सागर भक्त वत्सल भूत भावना से भोलेनाथ सांब हृदा शिव स्वरूप शिव महाप्राण के श्री चरणों में वंदन करता हुआ इस क्षेत्र के कुल देव देवता इष्ट देव देवताओं का स्मरण ध्यान वंदन करता हुआ सर्वतो भद्रमंडलस्थ पंचांग पीठस्थ चतुर्लिंगतो भद्रमंडलस्थ अनंत कोटि देवताओं का स्मरण ध्यान वंदन करता हुआ अपने श्री गुरु चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन उन चरणों का दिव्य चरणों का आश्रय प्राप्त करता हुआ विप्र देवताओं के श्री चरणों में नतमस्तक होता हुआ आगंतुक समस्त श्रेष्ठ भद्र पुरुषो एवं भक्तिमती श्रद्धामती शिवमती मातृशक्तियो आज इस पुण्य दिवस में पुण्य बेला में शिवपुराण के दिव्य महोत्सव में बड़े हर्ष का विषय है। पहले तो इस भारत भूमि की महिमा बहुत अनेकानेक कवि गाते हैं दिव्य रूप से। ऐसी दिव्य भूमि भारतवर्ष की पुण्य भूमि में और उसमें भी पौड़ी जनपद उत्तराखंड जो देवभूमि है उसमें भी उत्तराखंड की पुण्य पौड़ी जनपद में इस देवभूमि में दिव्य धरा इडियाकोट तल्ला ये पुण्य क्षेत्र है और वहां पे भी दिव्य स्थान ये क्वीन और पिपलेश्वर महादेव जो भगवान स्वयं वो हैं समस्त जन जन के जीवन में जो वसते हैं सबके दुखों का दारिद्र्यों का सब विनाश करने वाले हैं ऐसे भगवान भूत भावन परमात्मा स्वयंभू स्वयं साक्षात मध्य में हमारी विराजमान है और उन्हीं के इस दिव्य प्रांगण में यह शिव महात्म्य गठा शिव कथा के रूप में यह ज्ञानदायिनी पावन पवित्र पुनीत दायिनी गंगा प्रकट हुई है। तो आप सभी लोगों के बड़े भाग्य आज मानो जग गए हैं कि जो ऐसे सिद्ध स्थान में ऐसे तपोवन में शमान स्मशान वासी जो भगवान भोलेनाथ हैं भूत भावन हैं कृपालु हैं करुणा कर हैं करुणा दयान दयावान हैं ऐसे भोलेनाथ के इस दिव्य प्रांगण में आप सभी लोग भक्ति निष्ठ होकर के आज से लेकर के और सप्ताह परायण सप्ताह दिवस पर्यंत तक इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो बड़े जन्म जन्मांतरों से सत्संग लाभ प्राप्त होता है कि भाग्योदहीन
बहुजन समय जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वे अज्ञान हे दुग्रहक तमोह मदांधकारम नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों का और कितने कल्प कल्पांतरों का और न जाने कितने युग युगांतरों का एक पुण्य जब संचित होता है, वह पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तभी जाकर के भगवान शिव की महात्म्य कथा इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। समस्त जो अज्ञान कृत मोह मदांधकार, न जाने कितने अज्ञान कृत जानबूझ करके किए गए पाप इस कथा के माध्यम से दूर हो जाते हैं, ज्ञानार्जन और पुण्यार्जन प्राप्त होता है और भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। सत्संग लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब परमात्मा की कृपा होती है। आज आप सभी के मध्य में यहाँ आप सभी लोगों के सहयोग से यह दिव्य ज्ञान गंगा प्रकट हुई है। मन में विचार हुआ, देखो देवालय का जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना इस जीर्णोद्धार के माध्यम से दिव्य दायिनी श्री शिव महापुराण की ज्ञान दायिनी इस गंगा में भी गोता लगाया जाए। तो जो ही विचार आया तो पंडित जी श्री मनोज घिल्डियाल जी के माध्यम से यह सुंदर महोत्सव की और श्रीमान विक्रम सिंह बिष्ट जी के सानिध्य में रह करके आप सभी लोग सम्मिलित होकर के आगे आगे वो चल रहे हैं और पीछे पीछे सब आप उनके साथ में झंडे लेकर के धर्म ध्वजा लेकर के इस धर्म यज्ञ को निभा रहे हैं और आपने अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग लेना है। तन मन और धन तीनों प्रकार के सहयोग से इस यज्ञ को आपने निभाना है। दिव्य इस ज्ञान गंगा में आपने सम्मिलित होकर के पुण्य को अर्जित करना है। देखिए भगवान शिव क्या करते हैं, शिव शिव कहते हैं कल्याण के लिए, जो कल्याण के प्रदाता हैं भगवान भोलेनाथ, और भोले इतने हैं ना कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और छोटे बड़े बड़े जो अपराध हैं उनको भी क्षण मात्र में ही दूर कर देते हैं भोलेनाथ। बड़े बड़े अपराधों को भी एकदम से दूर कर देते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान इधर रखना आप लोग, इन्हें उन्हीं ध्यान न धरें। बोलो गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, और जयकारा जरा जोर से लगाना। जब जय जय बोला ना हम लोग, जयकारा बोलो लो तुमसे, तो जयकारा बोलो ना जोर से, बोलो कन बोलो ना, बोल दे जरा कन बोलो ना, हाँ जोर से बोलो। नहीं बोलो शंकर भगवान की, हाँ तो जब तक तुम जयकारे नहीं लगे ना। देखो जब भगवान की कथाएं होती है ना, हमारी तरफ दो प्रकार की शक्तियां हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, चारों तरफ घूम रही हैं शक्तियां, और वो एक है नकारात्मक शक्ति और एक है सकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्ति हमें प्रेरित करती है भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी अंग्रेजी में, और एक है नकारात्मक शक्ति जिसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, वो भी चारों तरफ घूम रही है पापाचार और अनेकानेक दुर्विग्रहों के रूप में, और वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग भगवान की कथाएं सुने। यह तो हम लोगों को ध्यान ही नहीं उन्हें भटका देने, ध्यान से सुनो जरा। बोलो गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की, हाँ इधर ध्यान दो आप, बच्चा कोई मैंने खेल दूंगा तो गोप ग्वाल है शिवगण है वो इस समय। बोलो शंकर भगवान की, हाँ तो भगवान वो गण जो है ना, जो भी दुर्विग्रह हैं वो चाहते नहीं, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नहीं चाहती कि हम अच्छी चीजों को सुने, भगवान की कथाओं को सुने। अगर हमने उन भगवान की दिव्य कथा चरित्र को सुन लिया, इस ज्ञान गंगा में गोता लगा दिया, तो उनको दूर भागना पड़ता है।
हाँ वो तो दूर जान पड़ा। तो क्या कर दिया वो देख दाची कि भगवान ने कहा हम का एक ध्यान ही नहीं होने भटकोनो छ देखा लगे रहेगा सब तरफ ध्यान दे दो हमारे ध्यान जाल निकाल के पर लेकिन वो ध्यान सब पर रहे और वो ध्यान की कैल अगर तरस भी आलस के ध्यान जेल कैल भी अगर मान लो इन्हें उन्हें ध्यान भटका है लपो तो तुरंत एक मुंडम बैठ जाते हो क्या कर दी सुला दी लगे नींद आ जाना तो ऐसी ही नींद ना आए हमें भगवान की कथाओं में तो हमें क्या करना है भगवान का नाम जपना भी है जयकारा भी बोलना है और भगवान का कीर्तन जब जब होगा तब कीर्तन भी करना है और अन्य समय में भगवान की दिव्य कथाओं का गुणगान होगा उनको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। कथा क्यों करते हैं पहले तो इस बात को समझिए आप कथा ही क्यों करते हैं कीर्तन ही करना होता तो हम कीर्तन ही कर देना कथा क्यों करते हैं हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आए हैं भगवान की भक्ति कैसे बढ़े हमारे जीवन में और भगवान के प्रति हमारा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्धि कैसे हो हमारी उसके लिए कथा करते हैं मनोरंजन का नहीं करता कथा। अगर कोई ये सोचे कि चलो चलेंगे जी वक्त जाए कीर्तन वाला और हम तो नचना खड़ा मिला लू यहाँ कथा नहीं कथा के खड़े हमारे जीवन को परिवर्तित करने का नाम कथा है। कथा यहाँ खड़नी से कि हम जाके भजन कर ला और कीर्तन हो जाला नाच जुला कथा का नाम है जीवन की व्यथाओं को दूर करना वही कथा है। जिस कथा के माध्यम से हमारे जीवन की कलुषताएं हमारे जीवन के दुख हमारे जीवन के दारिद्र्य हमारे जीवन के रोग शोक का शमन हो करके तीनों प्रकार के रोग शमन हो जाएं दूर हो जाएं और वही तो भगवान शंकर करते हैं शम करोति इति शंकरः। शंकर जी कैसे हैं शमन करते हैं किन किन चीज़ों का हमारे दुखों का दारिद्र्यों का रोगों का शोकों का भयों का सब का विनाश करते हैं और हमारे जीवन को कैसे भरते हैं सुखपूर्वक आनंद पूर्वक। देखो संसार में अगर हम रहेंगे ये मेरा है ये मेरा बंधु है ये मेरा बांधव है ये मेरा घर है ये मेरा द्वार है अगर इसी में पड़े रहेंगे ना तो दुख को ही पाएंगे क्योंकि ये माया के बसीभूत होकर के हमें सब मैं और मेरा जहाँ हो रहा है ना हम लोगों का वहाँ क्या है माया है और वो माया क्या करती है ऐसे नहीं छोड़ती वो माया इस संसार में ऐसे फंसा देती है हमको कि बस संसार चक्र में फंसना ही पड़ता है। उस माया को अगर परे हटाना है और दुखों को दूर करना है माया तो दुख देती है हमें सुख और दुख का आभास कैसे होता है हमें जब हमारे जीवन में कोई भी विघ्न आ जाता है ना हमारे और हमारे जिनको हम अपना मानते हैं आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं आसाहि परमं दुःखं जिससे हमने आशा लगा रखी है यू म्यार बोल दो ना हम लोग अरे म्यार घर छ म्यार बच्चा छ म्यार मित्र छ म्यार दगड़े छ बंधु छ म्यार बांधव छ जग जग हमारी भावना छ जहाँ जहाँ ये भावना रहेगी हमारी वहाँ वहाँ से हम दुख प्राप्त करते हैं। यानी संसार क्या है संसार में अगर कहीं भी हम सुख की खोज करेंगे ना तो हमें दुख ही दुख प्राप्त होगा। संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जरा कोई कोशिश करो किसी से पूछने की मैं आपसे प्रश्न करता हूँ क्या आप लोगों में सब सुखी हैं क्या कोई कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दुख सता रहा है। अजी महाराज हम तो भी दुख हमारे को तो ये भी दुख है हमारे को भी दुख है कुछ ना कुछ गिना देंगे आप कई दुख गिना देंगे। सुखी कौन है परमात्मा की भक्ति में ही सुख है भगवान के चरणों में ही सुख है क्योंकि सुख के सागर कौन है भगवान ही है वही परमात्मा है और तीनों स्वरूप में वही परमात्मा है। आइए किसी भी पुराण को हम अगर सुनते हैं ना तो सबसे पहले उसको सुनने से पहले उसके महात्म्य को जैसे आपकी फल खंदो ना जैसे मान लो आजकल आम हो रहे हैं अब पकने जा रहे हैं ना आम होना चाहिए ना तुम्हारी एरिया में भी होना चाहिए आम में लगा अब आम पकने जा रहे हैं
तो आपको किसी ने बोला कि भाई आम पक गई वक्त डाल पर, तो तुरंत आपका जीवन पैन आ गया हो क्यों आम पक गई कि लगी आप जान दा छो आम का ना होंदी पके आम का ना होंदी मीठा होंदी। आप उसकी महिमा को जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं, महात्म्य को जानते हैं कि आम जो है कच्ची आम का अगर नाम लिया तो खटास महसूस हो जाएगी आपके मन में ही तुरंत, ओह खट्टा आम तो कहना होंगी कच्चा आम खट्टा खट्टा होंगी। लेकिन जब आम पक जाती तो आम कैसे होते हैं मीठे मीठे होते हैं। ऐसे ही भगवान की दिव्य कथा को सुनने से पहले भगवान की उस कथा की महात्म्य को जानना आवश्यक है। महात्म्य मतलब भगवान शिव पुराण की जो हम कथा सुन रहे हैं इस कथा से क्यों ये कथा करनी चाहिए और क्यों ये कथा सुननी चाहिए और इस कथा के माध्यम से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं और कैसा सुख प्राप्त होता है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति मजा नहीं आएगा उसको सुनने में, आनंद नहीं आएगा, सुनने की जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी, तब तो मन ही नहीं करना, बस भजन ही होने के आनंद त्रिकोण। तो ध्यान से सुनना, ये महात्म्य है भगवान शिव की इस कथा को सुनने से पहले उसके महात्म्य को महिमा को जानना आवश्यक है। अगर किसी चीज की आपने महिमा नहीं जानी, मान लो कोई बाहर सुदूर देश में कोई फल होता है और वहां से कोई उस फल को लाया व्यक्ति हमारे देश में, अवेलवाल भैया मैं एक फल ले आ रहा हूं तुम कौन, उस फल को खाओगे तो आनंद अनुभूत होगा तुम्हें, आनंद आएगा तुम्हें, और जो ही उस फल को दिखाया उसने तो आपको तो उस फल के बारे में पता ही नहीं है कि मीठा होता है खट्टा होता है किस प्रकार से इसका स्वाद होता है, है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही आदमी आपको इमली दिखाएगा तो क्या आभास होगा, ओहो इमली तो कैसी होती है खट्टी खट्टी होती है। उसके महत्व को आप जानते हैं, उस फल को आप नहीं जानते जो वो लाया है सुदूर देश से, उसके बारे में आपने उसकी महिमा नहीं सुनी, उसका स्वाद कैसा है, वो ना तो खट्टा है पता है ना मीठा होता है कुछ पता नहीं है। इमली के बारे में आपको पता है, तुरंत उसने इमली का नाम लिया तुम्हारे मुख में पानी आ गया, इमली कैसी होती है खट्टी होती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य कथाओं का ज्ञान प्राप्त कर उनको सुनने से पहले उनके दिव्य महिमा को जानना आवश्यक है। आइए शिव महिमा की ओर चलते हैं, शिव पुराण की इस महिमा को सुनते हैं। नैमिषारण्य सुंदर तीर्थ है, वहां पर यज्ञ चल रहा, ऐसे ही यज्ञ कथा यज्ञ, और वो यज्ञ ही नहीं एक दिन यज्ञ नहीं होना चाहिए, उस यज्ञ में एक नहीं दो नहीं एक दिन नहीं दो दिन नहीं एक वर्ष नहीं दो वर्ष नहीं पूरे हजार वर्ष तक दिव्य ऐसी कथा चल रही वहां नैमिषारण्य तीर्थ। और वहां पे सौनकादि ऋषिगणों का एक दिव्य समूह जिनकी संख्या कितनी है 88,000, कितनी संख्या है 88, ध्यान से सुनना, मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, हाँ मैं पूछता हूँ कल क्या कथा आपने सुनी, हाँ प्रश्न होगा आपसे, इसलिए ध्यान से सुनना, वहाँ कितनी संख्या है उनकी 88,000, और उनमें जो वयोवृद्ध हैं एक संत सौनक जी महाराज, अब उनमें सब प्रश्न नहीं कर रहे हैं, देखो वहाँ पे ऐसी दिव्य कथा हो रही है, उनकी उम्र कितनी है एक की कम से कम 100 वर्ष से ऊपर के हैं संत महात्मा, जो 88,000 ऋषिगण हैं। बोले शंकर भगवान की, उनकी उम्र कितनी है 100 वर्ष से ऊपर है, और कोई कोई महात्मा तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 1,000-10,000 वर्ष तक भी है, इतने वयोवृद्ध संत हैं वहाँ, और ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी है, ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन जब भी भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं, सुनने के लिए, हाँ अगर कोई इन सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी थी मैं तो बहुत कथा सुन ली तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, और अगर वो कथा सुनने के लिए आया है वो ज्ञानी व्यक्ति तो उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला करता,
वह ज्ञानी बनकर के जब कोई आता है भगवान की कथा को सुनने के लिए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। जैसे हमारे घरों मजगल बरसा बारिश थी तो हमारे घर कंची थोड़ा तीर्थ सचिन पटला और जब भी बारिश पड़े तो क्या होंगे बंदर चूड़ मर जाएंगे होंगे तो हम क्या कर दो अजी पैन जाए दूर दूर तो पानी का भांडा लगा दिया होता है कि पैन भरे जाला हमारा गगरा भरे जाला भांडा भरे जाला होंगे ना तो हम क्या कर दो भरे हो भांड तो नहीं लगा देना कहीं लगा दो खैल भांड लगा दो खैल भांड लगा दो तो वो भांड क्यों होंगे भरे जा अगर हम भरे हो भांड लगा दिला हम तब वही भांडा लगा नहीं चाहिए ना वे क्या होना चल के जानो ये पानी भांड तो पहले की भरी हो चुके ऐसे ही हमारा जो ये अंतर मन है जो जिसको हम ज्ञानी बना करके सोचे हैं जो पहले से भरा करके ला रखे हैं भर करके ला रखे हैं ज्ञानी बन करके आ रखे हैं तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला तब तमल कमी निकलने था तक क्या कमी निकल ओहो मंडप भी ठक ठाक नहीं बनी तो साहब हाँ पंडित जी पता नहीं कई गाँव का अच्छी छोटा छोटा पंडित जी उनके सुना हम इन व्यूअर्स के भाव क्योंकि ज्ञानी बन करके हम आए हैं हम तब कमियां निकालने पर आ जाएंगे तो भगवान की कथाओं में कैसे आना पड़ता है बिल्कुल रिक्त होकर के खाली होकर के तब आएंगे तभी जाके भरेगा वो गागर जिस निमित्त आप आयो हो तो बिल्कुल रिक्त होकर के ही कथा सुनो। वह सूतादि सौनकादि जो ऋषिगण हैं वो कैसे हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं लेकिन देखो बिल्कुल खाली होकर रिक्त होकर के प्रभु हम तो बड़े अज्ञानी हैं उनके मध्य में एक 20 वर्षीय उन वयोवृद्ध संतों की उम्र कम से कम 100 वर्ष है की लेकिन उनके मध्य में जो ही एक 20 वर्षीय नन्ना सा बालक आता है जिनका नाम क्या है सूत जी महाराज क्या नाम है हाँ याद रखना कल पूछूंगा आपसे बोले गोविंद भगवान की शंकर बाबा की भोलेनाथ की हाँ जयकारा भी जोर से लगाने लगे बगल हमको शिणु वाल ने तोड़ जाल पटापट बोले शंकर भगवान की तो उनके मध्य में 20 वर्षीय एक सूत जी महाराज जो वयो जो 20 वर्ष के हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं ज्यों ही उनका आगमन हुआ तो तुरंत सब के सब जितने भी ऋषि मुनिगण हैं सब ने उनको दंडवत प्रणाम किया दंडवत प्रणाम किया। तो देखो अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी नन्हे से बालक को प्रणाम करता है ना अगर वो बालक संस्कारी होगा थोड़ा सा लज्जा हो जाती है उसके मन में ओह महाराज इनके लग करना चाहता हूँ प्रणाम तमिता करम चिंतम करम मैं तो तुमसे छोटा हूँ मैं तुम्हें प्रणाम करूँगा महाराज आप क्यों कर रहे हैं ऐसे प्रणाम। ऐसे ही सूत जी महाराज ने कहा हे महामुनियों हे संत महामुनियों देखो गंगा बहती है गौमुख से निकल करके कलकल छलकल का निनाद करती हुई हर क्षेत्र होती हुई और अंत में गंगा सागर में समाहित होती है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है गंगा और आप क्या कर रहे हैं गंगा को गंगा सागर से और गौमुख की तरफ बहाने का प्रयत्न कर रहे हो क्या भाव है सूजी महाराज का महाराज आप बड़ा चौमीस है मिलाप तो प्रणाम करण न कि आपने मुझे प्रणाम करना है आप वयोवृद्ध संत है महाराज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको प्रणाम करूं आपने ही मुझे प्रणाम करें थोड़ा लजा गया तो आज सौनकादि ऋषिगणों ने सुंदर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया महाराज हमने ना तो आपकी आयु को प्रणाम किया ना आपके धन को प्रणाम किया ना आपके बल को प्रणाम किया धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। महाराज इस संसार में कोई धन में बड़ा होता है शेठ जी होंगे ना तो वो तो प्रणाम करना कोई हर्ज नहीं था क्योंकि जान दसो हम
कि सेठ जी लाला जी जो धन में बड़े हैं वो कब कई काम आ जाए कोई नहीं जान सको, है ना, कब हम तो मदद जरूरत पड़ जाओ वो सही कोई नहीं जान सकता, इसलिए उनको प्रणाम करना ही चाहिए। प्रणाम करनी होगी हम धन में बड़े हैं सेठ जी साहब, सेठ जी राम राम करने में कोई हर्ज नहीं, वो भी पूजनीय है। बलवृद्धा कोई बल में शक्तिशाली पुरुष है, अगर हमने उनके साथ में पंगा ले लिया तो नुकसान के कौन, हम जन दचो वो हमसे बलिष्ठ हैं और हमसे बलवान हैं, अगर हम लोग अगर पंगा ले आते हैं नुकसान के कौन हमारे तो, है ना, इसलिए वो भी बंधन ही है महाराज। शक्तिशाली पुरुष को भी बंधन करना ही चाहिए। और आयु वृद्धास्त उन सब में भी जो आयु वृद्ध जन है जो बहुत बड़े उम्र के हैं अपने से बड़े हैं उनको तो सेवा उनकी उनको प्रणाम उनकी वंदना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ध्यान से सुनना नन्हे बालक को विशेष सुनना, अपने से बड़ों की पूजना करने से चार चीजें बढ़ते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। जो अपने से बड़ों की सेवा अपने से बड़ों की शुश्रूषा अपने से बुजुर्गों की को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ते हैं, क्या क्या, आयु हो, किसको नहीं चाहिए आयु, सबको चाहिए ना, बड़ी उम्र हो जाए हमारे बस जीते रहो कैला आशीर्वाद दिया तो खूब जियो, तुम जाओ शत वर्ष तक 100 वर्ष तक जियो, विद्या और बुद्धि भी सबको चाहिए, विद्या ज्ञान के बिना इस संसार में तुम चल नहीं सकते, कि खूब पढ़ लिखा विद्या और यशो बलम। जब आयु और विद्या आपकी बढ़ जाती है तो स्वतः ही यश भी बढ़ जाएगा और बल भी बढ़ जाएगा, इसलिए अपने से बड़ों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। और इन तीनों के मध्य में अगर कोई विद्वान मान लो एक सभा में कखिम ध्यान ही नहीं करते हो तुम, बोलो गोविंद भगवान की शंकर भगवान की, हाँ तुम भूल जाना चाहते हो ध्यान ही नहीं भटक जाना चाहते हो, ध्यान ही तो रखिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की शंकर भगवान की पीपलेश्वर महादेव की कुइनेश्वर महादेव की, अब दोनों तो है ना, हाँ दोनों की शरद में है, हाँ इधर से परिक्रमा कर पाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, एक सभा है मान लो सभा है ना, उसमें तीन लोग एकत्रित हैं, कौन, एक है जिसके पास बहुत धन है धनवान व्यक्ति है और दूसरा कौन है जो बलवान व्यक्ति है और तीसरा कौन है आयु वृद्ध जन में है, तीनों उस सभा में है विराजमान तीन अच्छी बात, और वहाँ पे तीनों बंधनी तो तीनों हैं ही, लेकिन उसी मध्य में अगर कोई विद्वान व्यक्ति आता है ज्ञानवान व्यक्ति आता है पंडित जी आते हैं ना, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब ये नहीं कि पंडित जी द्वैत कुर्ता पहनी गया यार पंडित जी बन गए, हाँ वो भी पूजनीय है क्योंकि पूज्य विप्र सकल गुणहीना ब्राह्मण पुत्र तो हमेशा पूजनीय है, हम लोग बोलते चलो पंडित जी बच्चा अगर छोटे से भी रहते हैं तो क्या कर दो हम पंडित जी पहला वन साथ बोलते चल बुजुर्ग लोग भी प्रणाम कर दो, पंडित मतलब ज्ञान ब्राह्मण का पुत्र ज्ञान से भरा हो तो पंडित है और ज्ञानी है पूजनीय तो है ही ब्राह्मण, इसीलिए जब तीनों व्यक्तियों के मध्य में ज्ञानवान धनवान और बलवान व्यक्ति के मध्य में अगर कोई ज्ञानी जन आ जाए कोई पंडित आ जाए तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, उन तीनों से पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, ये उन तीनों को भी उनको प्रणाम करना चाहिए, किसको ज्ञानी व्यक्ति को पंडित जी को प्रणाम करना चाहिए, इसलिए महाराज ना तो हमने धन को प्रणाम किया आपके न आपके शक्ति को प्रणाम किया न आपकी उम्र को प्रणाम किया, आप क्यों लजा रहे हैं क्यों शर्मा रहे हैं आप, हमने तो आपके अंदर छिपा हुआ जो ज्ञान है अथाह ज्ञान है उस ज्ञान को प्रणाम किया है, सुंदर से प्रणाम किया सुंदर से ऐसी व्यास गति निर्माण की गई है वहाँ पे उनको विराजमान किया महाराज,
आप विराजमान होइए। अनेकानेक पुराणों के जो ज्ञाता हैं सूत जी महाराज, तुरंत पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, भगवान को याद किया और सुंदर भूत भवन भोलेनाथ की कृपा से उनका मंगलाचरण किया और उसके उपरांत वह कमीन नीच 88,000 ऋषि गण जी कदा संख्या होगी 88,000 सोचो कदा संख्या। हम चार पांच लोग एक समय इकट्ठा होंगे तो क्यों होंगे छुई लगा नमस जंगो बस ये दीदी खूब चे तू दीदी देखा वो दीदी आ गया मेरे दगड़े ने आ गया तुरंत ही हम मेरे जगह आज जाल दीदी बैठ जाए चिंता न करो हैं बस ध्यान ही नहीं करना था ना तो मतलब 7 दिन तक टक लगा के ध्यान देना कृपा तभी होगी भगवान। देखो कोई कथा हम करते हैं मैंने बोला नहीं जीवन को सुधारने का नाम ही कथा है। जीवन हमारा कैसे परिवर्तित हो वही कथा है। जो हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करे वो कथा है उसको सुनना आवश्यक है। आई ने सुन 1 करोड़ रुपये सुन दिया ब्यास जी तुम्हारी कथा तुम तो मुबारक इन्ना कथा से सुनना है कि जैसे एक कान से सुनिए तुरंत उसको अंदर मनन करना है अंदर डलान कथा कि ब्यास जी के बोल आज हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए कौन सी ऐसी चीज ब्यास जी ने व्याख्यान के द्वारा सुनाई या पुराण के वाचन के द्वारा सुनाई उसको याद रखना है और कौन सी ऐसी बात हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे कोई नहीं जान सकता इसलिए कथा को ध्यान से सुनो। बोले शंकर भगवान की हाँ और जयकारा भी जोर से लगाना तो आइए दिव्य कथा की ओर चलते हैं। शौनक जी महाराज 88,000 उनकी संख्या है लेकिन वहाँ पे इतना शांत वातावरण है ना हम दो चार लोगों ने हल्ला गुल्ला हो जाएंगे लेकिन वहाँ पे इतना शांत जैसे पेड़ है नहीं अगर मान लो ये पेड़ सूखा है और इसकी पत्तियाँ जैसे झड़ रही है ना तो तुरंत उस पत्ते को जब झड़ रहा है और नीचे जमीन में वो पत्ता गिर रहा है तो उसकी आवाज भी आ रही कैसी छन्न करके वो एक आवाज सुनने से इधर शांति है वहाँ पर इतनी शांति है तो यहाँ पर भी ऐसी शांतमय वातावरण आपका होना चाहिए पूरे साल बोले शंकर भगवान की। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सबके सब प्रश्न करने लग गए उन्होंने एक जो वयोवृद्ध संत हैं ज्ञानी हैं जो कथा को सुनने में माहिर हैं ऐसे संत शौनक जी को आगे बढ़ाया। क्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः हे महाशूत महाज्ञानी हे महासूत जी महाराज आपको हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं आप समस्त शास्त्रों की ज्ञाता हैं आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं आपके अंदर अथाह ज्ञान रूपी ज्योति दैदीप्यमान है अनेकानेक सूर्यों के समान आपका तेज है ज्ञान रूपी तेज आपके अंदर है और हमारा जो ये हृदय रूपी ये जो हृदय है ना हमारा अंधकार घनघोर अंधकार में डूबा हुआ है हम अज्ञानी हैं अपने ज्ञान रूपी उन दिव्य तेज जो करोड़ों सूर्यों के समान आपके अंदर तेज है ज्ञान रूपी उस तेज की उस ज्ञान की एक छोटी सी किरण हमारी इस हृदय पटल पे आप डालिए और इसे भी चमका दीजिए ज्ञानवान बना दीजिए हमें वह ज्ञान की सुंदर सी किरण डालिए और इस अज्ञान तो रूपी ध्वांत अंधकार को हमारे दूर कीजिए। बोले शंकर भगवान की शंभुनाथ की स्वयंभू भगवान की। तो जो ही ऐसा प्रश्न किया फिर पूछा कि सदाचारस्य सर्वभक्तिर् विवेको वर्धते कथम सदाचार भक्ति स्वीकारा निरासस्य सज्जने क्रियते कथम। विकारों को दूर करने हम जानते हैं हमारे अंदर बहुत विकारी विकार भरे हैं
विकृतियां ही विकृतियां हमारी, कपट छल द्वेष पाखंड युक्त हम हो रखे हैं। उन पाखंड को, उन छल, उन छदमों को दूर कैसे हम करें? और कृपा करके कोई ऐसा, यह घनघोर कलिकाल है, इसमें आसुरी प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है ना, वो हमारे ऊपर हावी हो रखा है। सब उन आसुरी प्रवृत्तियों को हम बस आसुरी जैसे असुरों की प्रवृत्तियां थी वैसी प्रवृत्ति हमारी बन चुकी है। उस आसुरी प्रवृत्ति को हम कैसे दूर कर सके? जीवों की शुद्धि का, उसको पवित्र करने के लिए हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से वह आसुरी प्रवृत्ति दूर हो और विवेक की वृद्धि हो। विवेक कैसे जागृत होगा? सत्संग लाभ से। ऐसा सत्संग हमें कराइए, ऐसा सताम सज्जनानाम संगति सत्संगति, आपके माध्यम से ऐसा सत्संग हमें प्राप्त होगा जो विवेक को वर्धन करें, विवेक को बढ़ाए हमारे। देखो संसार में तो जीव मात्र ने जन्म लिया है, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, है ना, सब उस जन्म ले रहे ना ये संसार। भगवान बुद्धि वे सब दे रहे, सबको दी हुई है बुद्धि, भाई सब खा कमा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए। पशु भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, वो भी मेहनत करता है दिन भर कुछ ना कुछ, क्या मुझे मैंने मुझे खाना है। बकरी है तो बकरी में चरने के लिए जंगल में जाएगी, तभी जाके किसी पेड़ के पौधे के पत्तों को खाएगी, तभी जाकर के उसे श्रम करना पड़ेगा। वो अपनी बुद्धि उसमें लगा रही कि मेरा यह शरीर कैसे चलेगा, सबको बुद्धि दी भगवान ने। लेकिन एक चीज भगवान ने मनुष्य को विशेष दी है, क्या बुद्धि भगवान ने मनुष्य को भी दी है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, यह जो विवेक होता है वह विवेक केवल किसको दिया है? मनुष्यों को दिया है। इसीलिए मनुष्य जन्म सर्वोत्तम माना गया है। अगर कोई मुक्त होना चाहे तो मनुष्य जन्म से ही मुक्त हो सकता है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन योनियों में भी सर्वोत्तम अगर कोई योनि मानी गई है तो वो कौन सी है? यही है मनुष्य योनि। भगवान भेजता है मनुष्य को कि जा भाई, तूने 84 लाख प्रकार की योनियों में तो गया, समस्त दुखों पापाचारों कुकृत्यों के कारण तुझे 84 लाख प्रकार की योनियां भोगनी पड़ी। जब भी हम जैसा कर्म करते हैं वैसे फल की हमें प्राप्ति होती है, और उसी कर्म के अनुसार हमें गति प्राप्त होती है। और 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता 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 अंत में क्या होता है? फिर मनुष्य योनि में आता है जीव। और तब गर्भ में जब जीव आता है ना माता के, तो क्या प्रार्थना करता है? भगवान अब आधा तुम्हें इन काम करने की, ये मनुष्यों ने में नहीं होना, ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां है ना ये हमने भूमण में लाओ। तो भगवान की प्रार्थना करता है गर्भ में भगवान जीव, क्या बोलते हैं? भगवान भी था यकबड़ निकाल, ये नरक भी था निकाल दो। वहाँ माँ अगर कोई तीक्ष्ण खा रही है, कोई मिर्ची वाला पदार्थ खा रही है तो उसको तब भी कष्ट होता है, कोई गर्म कोई ठंडी वस्तु भी खा रही है तो माँ के गर्भ में वह जीव फिर दुखी होता है। और न जाने कितनी प्रकार की कृमियाँ कीट वहाँ घूम रहे हैं मातृ गर्भ में, हमारे गर्भ में, और वहाँ से वो जीव, वो जो कृमियाँ हैं छोटी छोटी सूक्ष्म कीट, वह उस जीव को उसके शरीर को वहाँ काटते हैं, कुछ नहीं कर सकता। भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु इस नरक से मुझे निकाल, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से निकालो। और भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं भगवान गर्भ में, गर्भस्तुति करता है जीव। और परमात्मा बस भगवान बोलते हैं बताओ अब भूलिमित है, मैंने तुझे प्रकट किया है संसार में सत्कर्म करने के लिए, तित आँख आदि कि तू अच्छे अच्छे दर्शन भगवान के दिव्य दर्शनों को मेरा दर्शन कर नित्य प्रति, तिता हाथ दी कि चलो हाथ से अपना कर्म तो कर, लेकिन कर्म के साथ साथ में मेरे लिए भी पुष्प तोड़ करके मेरे चरणों में चढ़ा, मेरा पूजन कर इस हाथों से। जो ये कान दिए भगवान ने तो सुंदर से बोला कि जो मेरी दिव्य कथाओं का अवलोकन कर, इन कानों से सुन, लेकिन यहाँ आकर के जी प्रार्थना करता आपकी बात में सब याद रखूंगा और आपको ही याद करता रहूंगा प्रभु, अब नहीं पढ़ना मुझे इस 84 लाख प्रकार की होने के चक्कर में, अब तो मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी चरणों में संलग्न होना चाहता हूँ, ऐसा प्रार्थना करता है जी। भगवान बोलते हैं चल ठीक है मैं भी देखता हूँ।
लेकिन जो प्रसूति नाम की वहाँ वायु चलती है और जीव इस संसार में प्रकट होता है तो क्या करता है, रोना प्रारंभ करता है। और जो नहीं रोन तो वे तई जबरदस्ती रुला रुला ये बच्चा तो नहीं रोन चुका कहके लाड तो नीचे हैं तुरंत वे तई जबरदस्ती रुला ना ची रोन किला नीचे रुला देते हैं। रोने का मतलब क्या है, वो माया तुरंत माया उसे ग्रसित कर देती है और ग्रसित क्या करती है वह रोने लग जाता है। उस समय तो रोता है वो, परमात्मा तुमने यहाँ मुझे भेजा है मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें, और रोता है संसार की चक्रों में फंसने के लिए। अब मैं भी माँ पिता मेरा बंधु मेरा बांधव उस माया के चक्र में फंस करके बस ऐसे ही फंसा रह जाता है और फिर यहाँ पापाचार अनाचार करने लग जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, भगवान की, भगवान की, जोर से बोलो तुम, मैं धीरे भी बोल देता जोर से, क्योंकि जोर से मैं देखो थोड़ा सा आला साउंड लोग बताते फिर जयकार लगाना जरूरी। बोले शंकर भगवान की, कीर्तन भी वाला चिंता न करो, कीर्तन ही कीर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में परिवर्तन आए। इस शिवपुराण के माध्यम से जो आपके इस दिव्य क्षेत्र में पुण्य क्षेत्र में हो रहा है इसके माध्यम से कुछ ऐसा अनुभूत ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो जिसके माध्यम से आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। बोले शंकर भगवान की। तो उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जो आसुरी स्वभाव जीव का हो जाता है हमारा मनुष्य योनि में, उस आसुरी योनि से उस आसुरी स्वभाव को दूर कैसे किया जाए और विवेक कैसे बढ़े हमारा, तो मनुष्य को ही विवेक प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा, ऐसे ही सत्संग लाभ से। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बोले शंकर भगवान की जय। बिना सत्संग के विवेक की वृद्धि नहीं होती। अगर विवेक जगाना है, हमने अपने जीवन में इस मनुष्य योनि में जन्म तो लिया है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही तो कथा समझा रही है, यही तो पुराण बता रहे हैं हमें, यही वेद बता रहे हैं हमें। तो आइए जो ही यह प्रश्न किया तो सुरेंद्र से कि भगवान शिव की भक्ति परम भक्ति और उस शिव की कृपा हमारे ऊपर कैसे हमें प्राप्त, कृपा करके ऐसा कोई आख्यान सुनाएं, कोई ऐसी शिव कृपा की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा आख्यान प्रभु हमें सुनाएं जिससे हमारे जीवन परिवर्तित हो सके, जीव मात्र का जीवन परिवर्तित हो सके, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। तुरंत आज सूजी महाराज ने बोला, हे ऋषिगणों, हे संत महात्मन, आपने बहुत दिव्य प्रश्न किया है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम वज्ञादि कविवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वस रसायनम कालव्याल महात्राश सर्वविध्वंसकरतमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। सूजी कहते हैं सोनिका ऋषिगणों, आपने यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है जगत कल्याण की भावना को लेकर के। देखो संसार का कल्याण कैसे होगा, यह प्रश्न आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। संत महामुनि है, देखो संत किसे कहा है पहले तो इस बात को समझ लीजिए। संत कहते हैं जो दुसों के दुखों को दूर करने के लिए सदैव आगे रहे,
हा महाराज किलो हुई ज्यादा दुखी होती। जो ही किसी व्यक्ति को देखा ना और वो दुखी है, तुरंत संत महात्माओं का हृदय पिघल जाता है और तुरंत सोचते हो मिकन की एक दुख तो दूर कर सको। तुरंत ऐसे ही संत महात्मा होते हैं। वो संत महात्मा ऐसे नहीं है छोटे मोटे, महाज्ञानी संत हैं। जानते हैं आने वाला समय घनघोर कलिकाल युक्त आने वाला है और कलयुग में मनुष्यों की बस ध्यान ही नहीं रहा। भगवान की कथा अगर कहें होनी चाहिए ध्यान ही नहीं भटकने लगे जान दर्शाओ। तो उनके उस ध्यान को लगाने के लिए और भगवान शिव की कृपा के लिए कौन सी ऐसी कथा, कौन सा ऐसा व्याख्यान कि जो उनका कल्याण कर सके, उनके पापाचार दुराचारों को दूर करते हुए भगवान के चरणों की ओर उनकी भक्ति को लगाएं, ऐसा कोई उपाय हमें ढूंढना चाहिए। तो आज सूत जी महाराज कह रहे हैं हे संत महामुनियों, भगवान के शिव की कृपा को और उनको प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा सुंदर आख्यान आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन शिव पुराण का वाचन ऐसा शिव पुराण है, काल रूपी ब्याल एक बहुत बड़ा अजगर है। काल ब्याल महात्राश, एक काल रूपी एक सर्प है, बहुत बड़ा सर्प है। वह मुसाफ मुख झुको पसारे बैठा हुआ है। मान लो रास्ते में हूं और हम उसी की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं हम उसके मुख की ओर, और कब उसके मुख में समा जाएंगे और कब वो अपने मुख को बंद कर जाएगा कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जो इस संसार में आया है उसने जाना ही जाना है, ये अवश्य भाई है। हम क्या हैं? पूरा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, भगवान ब्रह्म ही शिव ही सत्य हैं और हम सब मिथ्या हैं, झूठे हैं। अगर हम सत्य होते तो सदैव बने रहते ना, हम भी नहीं बने रहेंगे। जो आया है वो सो जाएगा, आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बांधे जंजीर। जो आया है उसने तो जाना ही जाना है, जातस्य द्रवोर मृत्यु भगवान गीता में कह रहे हैं। लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि जो हो सिंहासन पर चढ़ करके जाए, कोई जंजीर में बंद करके जाता है अपने पापाचार दुराचारी कर्मों के बल पर। लेकिन ऐसी करनी हम कर चलें कि हम भी सिंहासन पर सब जय जयकारा करते हुए पीछे जाएं और हम सिंहासन पर उठ करके जाएं। महाराज सब हमको याद करते रहे, ऐसे काम करें। तो महाराज काल रूपी वह अजगर है, हमने जाना है जिस समय भी हम उसके मुख में प्रविष्ट हो गए हमारा जीवन लीला समाप्त। तो आज करे से हम सोचते हैं कि अभी तो बुढ़ापा आ जा लू तब जाकर ला साफ सत कर अच्छा कर सोच दो ना, लेकिन किसका समय कब पूरा हो जाएगा ना कोई नहीं जान सकता। ये जो श्वासें मिली है ना हमें गिनती की मिली हुई है, ये तो निश्चित सत्य ही है। जो आया है उसने जाना ही जाना है, लेकिन ये भी कोई नहीं जानता है कि किसकी मृत्यु कब होगी कोई नहीं जान सकता है। इसलिए बचपन से ही अपने मन अपनी वाणी को भगवान के दिव्य चरणों की ओर लगाए रखो, तभी जाकर के कल्याण है। अन्यथा बस ऐसे भटकता रहना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में और उसमें भी मनुष्य योनि में जब आएंगे फिर ऐसे ही कर्म करते रहेंगे। तो आज कह रहे हैं महाराज अगर इस काल रूपी व्याल का भय, जो मृत्यु का जो भय है, अगर उससे कोई मिटा सकता है तो भगवान शिव महापुराण की दिव्य कथा, वही कथा हमें भय से मुक्त कर सकती है। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। और ये शिव महापुराण कौन सी है, क्या है, कैसे आई? व्यासे नोक्तम तो संक्षेपात कलिजानाम हिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण को संक्षिप्त कर दिया। सुंदर ढंग से भगवान शिव की महिमा का इसमें वर्णन किया है। और ये कैसे प्राप्त होगी? ऐसे नहीं प्राप्त हो जाएगी कि जन्मांतरे बबे पुण्यम महदेश्य सुधी मतः तस्य प्रीति भवे तत्र
महाभाग्यवतो मुने। जब कई जन्मों का पुण्य पुंज पुण्य रूपी व सूर्य उदित होता है ना हमारा, तब जाकर के भगवान शिव की यह कथा, शिव महापुराण की यह कथा सुनने को हमें प्राप्त होती है, तभी जाके क्यों सुनने को प्राप्त होती है। और भगवान शिव महापुराण को साक्षात शिव स्वरूप ही जानना चाहिए, और ये है ही शिव स्वरूप। ये कोई पुराण साधारण बात नहीं है, पुराण की पुराण में साक्षात शिव ही विराजमान है, इसलिए हम शिव का आवाहन उसमें करते हैं। बोले शंकर भगवान की, क्योंकि राजसूय यज्ञ सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ श्री शिवपुराण की कथा सुनने से और करवाने से प्राप्त होता है। ये शृण्वन्ति मुनयः शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् गन्तव्या रुद्राय न संशया। जो लोग श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और विश्वास से भगवान शिव महापुराण की दिव्य कथा को सुनते हैं, इस कथा गंगा में गोता लगाते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप बन जाते हैं। बस अहम रुद्रः, हम भी रुद्र ही हैं। जब यह भाव आपके मन में जग जाएगा, यानी कि आपका पुराण सुनना, शिव पुराण की कथा को सुनना सुलभ हो गया, सार्थक हो गया, तो ऐसी तरीके से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। आइए हम सभी लोग मिलकर के शिव पुराण की वंदना करते हैं, हाथ जोड़ेंगे सभी लोग, अरे भगवान शिव की वंदना करते हैं कि वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्न धी शिव प्रसन्नताम याया दद्यास्वपदयोरतिम। हमने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे कृपालु भगवान, हे दयालु भगवान शंकर, आपका हम ध्यान करते हैं, आप प्रसन्न होइए हमसे और हमको भी प्रसन्न कीजिए, हमारा जीवन प्रसन्नता युक्त भरा रहे, और आपके चरणों की भक्ति सदैव हमें हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में बनी रहे, यहाँ हमने प्रार्थना की है। बोले शंकर भगवान की। आज सनक जी महाराज ने फिर प्रश्न किया के विशुद्ध्यन्त्ययना कथया पापिनः कलो हे मानव। हे प्रभु, इस शिवपुराण की वाचन से और इसके श्रवण से कैसे कैसे पापी लोग तर जाते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए, हमारे सुनने की अभिलाषा है। शिवपुराण कैसे कैसे पापियों को भी तर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई शिव भक्त भगवान शिव की इस दिव्य कथा को कराएं, शिवपुराण की कथा को कराएं, उसका उद्धार हो जाए, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। वो तो तृप्त, वो तो उसका उद्धार तो हो ही जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसे पापी भी हैं जिनके करने से, जो जिन्होंने भगवान शिव की कथा को सुना, शिव महिमा को सुना, शिव पुराण की इस दिव्य कथा को सुना और उनका तरण तारण होकर के वो शिवलोक को प्राप्त हो गए। तो तुरंत आसुर जी महाराज कह रहे हैं कि ए मानवा पाप क्रतो दुरा दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते पिशुध्यन्त्यनेन वे। हे ऋषिगणों, इस शिवपुराण की महिमा को सुनकर के ऐसा नहीं कोई शिव भक्ति ही तर जाए। बड़े बड़े पापी जिन्होंने अपने जीवन में विकार युक्त जीवन ही अपने जीवन जिया, जो ब्राह्मण होकर के भी अधम बने रहे, ज्ञानी होकर के भी अधमों का साथ जिन्होंने किया, वो भी शिवपुराण की कथा अंत में अगर सुन देते हैं तो शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में छल छद्म द्वेष पाखंड युक्त होकर के अपने जीवन चक्र को चलाया और अंत में मानव प्रेत भी बन गए हो ना, वो भी इस कथा के माध्यम से वो तर जाते हैं और भगवान शिव को लोग को प्राप्त होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जो लोग छल छपट कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, लोभी, दम कंपटी, लंपटी, कामी
और ऐसा बनकर के अपने जीवन को चलाने वाले हैं, वो भी भगवान शिव की दिव्य ज्ञान दायनी कथा को में गोता लगाते ही तर जाते हैं और शिवलोक को प्राप्त होते हैं। कियत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने संभो पुराण श्रवणा तत्फलं निश्चलं भवे। जितनी प्रकार के संसार में दान हैं, यज्ञ हैं, करने से जो फल प्राप्त होता है, कई प्रकार के कोटि यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल शिव पुराण करने वालों को और सुनने वालों को निश्चय रूप से ही प्राप्त हो जाता है, यही शिवजी महाराज कह रहे हैं। इसीलिए बोला है शिव पुराण की जो कथा है ना, वो परम मंगलमयी है, और भगवान का जो कीर्तन है वो कल्प वृक्ष के समान है। जो कोई मनुष्य भगवान शिव को याद करता हुआ शिव 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 नाम जपता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोले शंकर भगवान की, और उसकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम सब लोग इधर भगवान शंकर जी का ध्यान कर दो। थे ऊंचा के धारे मेरा भोला बस्यान, सभी लोग जो हैं हाथों को ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ, जो जो भगवान शंकर से प्रेम करते हैं ना, हाथों को ऊपर करके दोनों को, और सुंदर से तालियों का साथ देंगे। जब बजेगा ना ताल, तरन ताली, ताली भी एक दगड़ बजानी ना, कोई कभी कोई कखे, दगड़ दगड़ सब। तय ऊंचा के धारे मेरा भोला बस्यान, तय ऊंचा के धारे मेरा भोला बस्यान, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान। हाँ, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान। तय ऊंचा के धारे मेरा भोला बस्यान, तय ऊंचा के धारे मेरा भोला बस्यान, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान। जय हो, सभी लोग बड़े हाथ हाथों को ऊपर करके तालियों का साथ। जय हो, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान, भंगुल धतुरा पेगी अलख जग्यान। जय हो शंकर भगवान की। गांधी
तेरा दिन्यान दिखो तेरा दिन्यान भंगुल धतुरा पेकी अलग जगान हाँ भंगुल धतुरा पेकी अलग जगान तैं उछा के दार मेरा भोला बस्यान उछा के दार मेरा भोला बस्यान भंगुल धतुरा पेकी अलग जगान भंगुल धतुरा पेकी तालियों का साथ से बाकी परवाना से मीठी मीठी आहार जब ब्योली पर जटा निराली
दखण माच भोली जटा निराली हाँ दखण माच भोली पर जटा निराली दखण माच भोली पर जटा निराली हाँ घुंगरियाला खुटो मा ओ घुंगरियाली खुटो मा घुंगरू परियान भगवान की भगवान की जब अग्नि वाल बोलना चाहिए वाल बोलना चुके भानी चुके ठीक है सब बोलो बोलो बोले शंकर भगवान की उमापति महादेव की शंकर बाबा की। तो यह दिव्य कथा जो है भगवान का नाम जो है समस्त दुर्गुणों को दूर करने वाला है। हाँ तो ये अमृतमय वर्षा है ध्यान करना व्यवस्था बोले शंकर भगवान की। तो आज कह रहे हैं सदा से प्या विशेषतः एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। यह इसीलिए भगवान शिव के पुराण को इस कथा को सदा से प्या सदा नित्य प्रति इस कथा को सुनो और सुनते ही रहो क्योंकि यह कथा कैसी है परम ज्ञान को प्रदान करने वाली है समस्त दुखों को दूर करने वाली है दारिद्रों का रोगों का शमन करने वाली है। बोले शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय। बिना बोले अग्नि अग्नि आ जाओ कोई भानी चल बोलन नीचे दीदी तुम अग्नि आ जाओ आराम आराम से शांत चित्त होकर। तो इस पुराण में वेदव्यासी महाराज ने 24,000 श्लोकों का यह पुराण बनाया है। इसमें 7 संहिताएं हैं और जो व्यक्ति इस पुराण को मन लगा करके सुनता है और पढ़ता है उसके जीवन की मुक्ति होकर के वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बस आपको को जाना चाहिए शिवलोक इन बताओ हाथ खड़ा कर उधर शिव जी समझ जोड़ना बोले 7 दिन सब पहुँच सकते शिव जी के पास पर उसके लिए ध्यान मग्न होकर की कथा सुननी पड़ेगी। ध्यान से सुनना बोले शंकर भगवान की। और शिवपुराण की कथा जहाँ हो जाती है जहाँ पर भी शिवपुराण की कथा होती है वह जो साक्षात तीर्थ रूप बन जाता है साक्षात जैसे गंगा है जो समस्त पापों से मुक्त करने वाली ऐसी यह कथा है उससे भी उत्तम अगर कोई बांध सकते हैं शिवपुराण की इस कथा को कहते हैं। तावस प्रोच्यते पापी पापकन्नो निसत्तमम् यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। जिस व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति ने जीवन भर जीवन पर्यंत अपने जीवन में पापाचार कृत्य करते हुए और भगवान शिव की कथा जिन्होंने नहीं सुनी हो जिसकी वाणी ने कभी भगवान का गुणगान न किया हो उस पापी व्यक्ति वो कैसे बन जाता है वो कभी तरता नहीं उसके कान कभी पवित्र नहीं हो सकते। जैसे गंगा जी नदियाँ पुष्कर आदि तीर्थ भगवान इस शिव कथा की शिव पुराण की महिमा का की बराबरी नहीं कर सकते इसीलिए शिव पुराण की कथा को सुनना परम आवश्यक है हम सभी के लिए। बोले शंकर भगवान की गोविंद भगवान की जय। सदा पापरताये च ये हतांस दुराशयाः
ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलाविया। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में रत रहता है और जो मूर्ख इसको इस ज्ञान यज्ञ को पवित्र नहीं समझते और फिर भी अगर अकारण ही भगवान की इस दिव्य कथा को सुन लेते हैं, वो भी इस कथा के माध्यम से तर जाते हैं और शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, क्या आपके पास में कोई ऐसा वृतांत है जिसने जीवन पर्यंत पापी पाप किए हैं और अंत में अंतिम अवस्था में उसने भगवान शिव की दिव्य दायिनी ज्ञान गंगा को इस कथा को सुना और वो मुक्त होकर के भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गया, क्या कोई ऐसी कथा है आपके पास में? तो आज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हाँ क्यों नहीं महाराज, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ आपको कि आसीत किरात नगरे ब्रह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्याता विश्वस्त जनवंचकः। महाराज, किरात नगर एक बहुत सुंदर नगर है, उसी में एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ज्ञान से दुर्लभ था, दुर्बल। अगर कोई धन से दुर्बल हो जाए, मन से दुर्बल हो जाए और इस शरीर से दुर्बल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, ज्ञान दुर्लभ दुर्बल। लेकिन जो ज्ञान से कमजोर हो जाए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। वह ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल तो था ही, साथ में दुष्ट प्रवृत्ति भी होती थी। अपने विवाह हुआ बच्चे हुए माता पिता के साथ में रहता है उसी किरात नगर में। एक बार वह ब्राह्मण, वह अधम ब्राह्मण जो ज्ञान से दुर्लभ दुर्बल है, कमजोर है ज्ञान में, जो पंडित कहलाने लायक भी नहीं, ऐसा वह ब्राह्मण एक दिन एक नदी में तालाब में स्नान करने के लिए गया और वहाँ उसने एक वैश्या को उस तालाब में स्नान करते हुए देखा। वहीं एक शोभावती नाम की एक वैश्या, एक गणिका स्नान कर रही थी और उसी के सौंदर्य पे मोहित हो गया वो ब्राह्मण और तुरंत उससे प्रेम कर बैठा और जबरदस्ती उससे बोला, देवी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चलो मेरे साथ में चलो। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की कोई भानी चो था ना, मेरे को तुम आपको भाने वो भी आसरा लेगा दीप है वो वेल विद विजन थोड़े चित्र जन तुम ही नहीं निखनाना चो कोई भानी। बोले शंकर भगवान की, वो शंकर के ही दूत हैं, हो सकता है शिवगण ही हैं, जितने लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं उस इस समय शिवगण का रूप है, बस आप में भी शिव हैं, उसमें भी शिव है, हर जगह शिव है, शिव हर जगह व्याप्त है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह हैं, हाँ, लेकिन कैसे प्रकट होंगे? प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान तो सब जगह है, मुझ में शिव तुम में शिव, मुझ में राम तुम में राम, हर जगह है परमात्मा। अभी यहाँ आप पधारे हैं तो आपके अंदर भी शिव ही हैं,
जो ही आपने सुना कि देखो हमारे मंदिर जो नहीं जीवन धार जो मंदिर भगवान एक शिव की कथा होने वाली है, शिव कथा ज्ञान गंगा प्रकट होने वाली है। और तुम जो ही सुन तब भगवान शिव आपके अंतर मन में प्रविष्ट हो गए, तुरंत प्रकट होगी भगवान शिव। अरे भगवान ही तो आपको लाए हैं यहाँ पे, हम हमारा मन हमको नहीं ला सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हम इस कथा में प्रविष्ट हो ही नहीं सकते, उस स्थान में प्रविष्ट हो ही नहीं सकते। अपने मन से थोड़ा ही उस शिव ने आपको बुलाए हैं, शिवमय होकर के आप आए हैं, वही शिवमय आप भी हैं और वो ये जीव भी शिवमय है। हाँ, सबके अंदर परमात्मा है, इसीलिए कोई भेद ना रखते हुए सबको आसरा दे। बोले शंकर भगवान की, वो भी तर जाएगा शिव कथा की या पुण्यदानी एक श्लोकम श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ पुराण की, इस शिव पुराण की एक एक श्लोक की आधा श्लोक भी और उसका आधा का आधा भी अगर किसी के, या मैं तो यहाँ तक बोलूँ कि किसी के कर्णपुटों में कानों में अगर एक एक अक्षर भी पड़ जाए ना शिव पुराण की एक एक श्लोक की, तो उसका कल्याण हो सकता है। बस श्रद्धा बनत होकर के हम कथा को सुने, भक्तिमय होकर के जब हम भगवान को पुकारेंगे, करोड़ पुकार करेंगे परमात्मा तुम ही सब कुछ हो ना, हमारी कोई सामर्थ्यता है हम कुछ कर सके या हम भगवान को कुछ दे सके। जब परमात्मा ने कृपा की है, सबसे बड़ी कृपा तो क्या की है परमात्मा ने, इतना बड़ा शरीर दिया है, देखो कितना बड़ा शरीर दिया है, शरीर में दिया हृष्ट पुष्ट शरीर दिया हमें, बहुत बड़ी बात है। यह शरीर जो है ना बहुत सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, भगवान आँख भी दिया है, देखो जे एक आँख नीचे होता पोचो तो आँखों के वैल्यू थी, हमको नहीं समझता बड़ी शरीर था, हम इन सोचो शायद बस मौज मस्ती करने का शरीर मिलो चलो, नहीं भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए आंखें मिली हैं, कान मिले हैं भगवान के दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए, सब भूल जाए हम और उसी अभिमान में आकर के ये शरीर मैं हूँ, शायद मैं चू ही शरीर, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर तो नश्वर है, ये मिटने वाला है, सदैव नहीं रहने का आपके पास, सदैव एक अवस्था भी नहीं रहने वाली है। याद रखो आज हम अगर युवावस्थापन हैं तो एक दिन एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब वृद्धावस्था पड़ जाएगी, तब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर इस समय इस शरीर को हम वैल्यू समझ रहे हैं, इसकी सुनिए इसकी प्रयोग बहुत कर सकते हैं हम शायद, लेकिन इस शरीर का एक दिन मिट जाना और यह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाना ये भी अवश्य भावी है। इसलिए जितना हो सके इस शरीर के अंग से, जितने भी अरे हमारे अंग हैं उन अंगों से भगवान का ध्यान करो, कर्म करो, भगवान के निमित्त कर्म करो, भोलेनाथ को प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान क्या हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर क्या हैं, श्रद्धा, भगवती माता पार्वती क्या हैं, श्रद्धा, और भगवान शंकर क्या हैं, विश्वास। जब श्रद्धा और विश्वास हमारे मन में जागृत हो जाता है हमारा ये शरीर ही क्या बन जाता है, शिवालय बन सकता है, इसलिए इसको शिवालय बनाओ, भगवान का घर बनाओ इस शरीर को। जब हमारा ये शरीर भगवान का घर बन जाएगा तो हम शिवालय, जो भी कर्म करेंगे ना वो शिव के लिए ही होगा। मनस मानस पूजा में भगवान शिव की हम कल हमको समझाएंगे। बोले शंकर भगवान की, अभी दृष्टांत की ओर चलते हैं। किरात नगर, और जो वहां पे एक ब्राह्मण रहता है उसका नाम क्या बोला मैंने, अब बताओ, सोच के सोच के नाम वाले, बस ध्यान तो छीन द्वार पहना है कि बरखा क्या नाम बोले, देवराज, क्या नाम बोला, हाँ अब याद रखना, बोल पूछण सके तुम तभी तुम्हें पता चलना कि तुम ध्यान से सुन सके ना, फिर उन्हें सुनना चो तुम एक कल कौन बस सुनना चो तुम सुनोगे कि उदार दिन चो, तो ऐसे नहीं करना। तो देवराज वहाँ ब्राह्मण क्या था, ज्ञान में दुर्बल था, ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा पाप है अगर वह ब्राह्मण चाहे वो तन से दुर्बल हो जाए, मन से दुर्बल हो जाए कोई बात नहीं चलेगा, धन से दुर्बल हो जाए, निर्धन हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान से अगर दुर्बल होगा ब्राह्मण तो उस ब्राह्मण का ऐसे ही जीवन को समाप्त करना ही बढ़िया है। क्या करना है ऐसे जीवन को जी करके ब्राह्मण के लिए, वह ब्राह्मण ऐसे ही था, अधम ब्राह्मण, जो ज्ञान से बड़ा दुर्बल ज्ञानी था, दुष्ट था। एक बार एक सरोवर में एक गणी का एक वैश्य को उसने स्नान करते हुए देखा, उसके ऊपर मोहित हो गया, उस गणिका को बोला चलो विवाह कर लेता हूँ, मोहित होकर के उससे विवाह कर लिया।
और घर में उसको ले आया और अपनी पत्नी और माता पिता को और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और उसी के साथ में रमण करने लगे, उसी वैश्य के साथ में। अब उसी के साथ में रमण करता, एक दिन तो उसको इतना क्रोध आया, अपनी माता पिता और अपनी स्त्री को भी उसने मार दिया, उनकी हत्या कर दी उसने वैश्य के कहने पर। जैसे संग हम करते हैं ना, वैसी हमारी बुद्धि बन जाती है, ऐसी उस देवराज ब्राह्मण की भी बुद्धि बिगड़ गई वैश्य का संग करने से। उसके प्रेम में इतना मोहित हुआ वहा देवराज, अपने माता पिता और अपनी पत्नी को भी उसने उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया, उसके साथ में आजीवन आचरण करने लगे। वैश्या मांस मदिरा सब खाती पीती, वो भी उसी के साथ में मांस मदिरा एक ही थाली में खाते थे। ऐसा वह ब्राह्मण धन बन गया, ऐसा दुष्ट। एक दिन घूमता 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 वहां प्रतिष्ठान पर, जिसे कहा गया है प्रयागराज, पहले उसको क्या नाम था, प्रतिष्ठान पुर शास्त्र कह रहे हैं। उस प्रयाग नाम को राज को क्या बोलते थे पहले, प्रतिष्ठान पुर। उसी नगर में जा पहुंचा प्रयागराज में, और वहां उसने क्या किया, संयोग से एक शिवालय के दर्शन किए, शिव मंदिर के दर्शन किए। वहां ऐसी दिव्य दायिनी गंगा शिव गंगा बह रही थी, शिव पुराण की कथा चल रही थी। वह ठहर गया उसी मंदिर में, और उसी मंदिर में उसे इतना तेज तीव्र बुखार आया, बहुत बुखार आ गया, उठ ही नहीं पाया वो। न चाहते हुए भी उसने शिवपुराण की एक महीने तक लगातार भगवान शिवपुराण की कथा सुनी। वहाँ ब्राह्मण जो शिवपुराण की कथा कर रहे थे, उन्होंने शिवपुराण वाचन तो किया ही एक महीने तक, शिव महात्म्य की इस कथा को सुनाते रहे। और वो देवराज ब्राह्मण जो बुखार से पीड़ित है, ज्वर से पीड़ित है, वहाँ लेटा लेटा उस शिवपुराण की दिव्य दायिनी गंगा में गोता लगा रहा है, सुन रहा है, न चाहते हुए सुन दिया उसे। एक महीने बाद उसका शरीर पूर्ण हो गया, मर गया। जो ही मरा तो यम के दूत आए, बड़ी विकराल स्वरूप में। यम के दूत कैसे आते हैं, बहुत विकराल है, यमराज की तरह ही यमराज के दूत हैं। जैसे जिस देवता का स्वरूप है ना, उसके दूत भी वैसे हो जाते हैं, वैसे ही हैं। यमराज का बहुत भयंकर विशाल स्वरूप है, काला कलूटा स्वरूप है, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं यमराज के, बड़ी बड़ी भौहें हैं, इतने बड़ी बड़ी काली काली आंखें हैं, लाल लाल अंदर उनकी लालिमा है, ऐसे यमराज का स्वरूप है। हाँ, जो कोई भी मनुष्य यमराज के स्वरूप का चित्रण चिंतन सुनता है ना, तुरंत बस भय से कांप उठता है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। अपनी हाथों में कुठार लिए हुए हैं यमराज, ऐसे उनके दूत भी हैं, विकराल स्वरूपी हैं। जो ही यम के दूत उसके पास में आए, उसके प्राण को उन्होंने निकाल दिया और सीधे यमलोक की ओर ले जाने लगे। यमलोक में पहुंचे कि इतने में पीछे पीछे भगवान शिव के गण भी आ गए। शिव के गण कैसे हैं, कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ऐसे हैं शिवगण भी, शिव की तरह वैसी जटा जुट बांधे हुए शिवगण, अपनी पूरी अंग में विभूति को रमाए हुए हैं, कर्पूर की तरह जिनकी सुंदर कांति है, गौर वर्ण के हैं। ऐसे दो दूत प्रकट हो गए और उन्होंने उन यमराज के दूतों को हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। कीर्तन में चलता रहेगा, बीच बीच में चिंता मत करो, लेकिन कथा भी जरूरी है। महिमा भगवान शंकर की अदिव्य दायिनी गंगा जो शिव पुराण की कथा है, कैसे कैसे पापियों को तर जाती है। जो ही यमदूत यमराज में लेकर के उस देवराज को लेकर के पहुंचे, तुरंत भगवान शिव के गण, तुरंत दिव्य कांति वाले शोभा को बढ़ाने वाले, जो ही वहां पहुंचे, सुंदर वहां पे ऐसे अंगों की उनकी सुंदर कांति है कि वह देवराज प्रसन्न हो गया उनके दर्शन करके, क्योंकि शिवपुराण की कथा को उसने सुना है और उनको प्रणाम किया उसने। तुरंत आज यमराज के उन दूतों को भयंकर रूप से मुक्कों से पीटा, किसने,
भगवान शिव के गणों ने और मार मार के उनको भगा दिया। और आज देवराज को पकड़ा, उनका हाथ लेकर के और विमान में बैठाया और सीधे शिवलोक को ले गए। बोले शंकर भगवान की, देवराजम समालोच्यम विमाने परमाद्भुते अपवैश्यदा दूता कैलासम गन्तुमोऽसका। भगवान शंकर के वो दिव्य गण विमान में बैठा करके उसे सीधे दिव्य लोक सीधे शिव के लोक में ले गए, कैलाश पर्वत पर ले गए और वहाँ शिव के गण में वह सम्मिलित हो गया। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, इसलिए वंदन कर रहा हो देवराज भी। धन्य कथा परम पावनी यश्याश्रवण मात्रेण पापियानपि मोक्तिभा। मानो प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी इसी प्राण की वह दिव्य दायिनी महिमा वह कथा धन्य हो जिसके माध्यम से आज मैं मुक्त हो गया। जो वैश्या में रमण करने वाला भी महापापी है, महापातकी है, वह भी आज भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। ऐसी शिव पुराण की दिव्य दायिनी कथा है। धन्या धन्या कथा संभोस तम धन्यो धन्य बचा। धन्य हो शिव भगवान भोलेनाथ और धन्य हो उनकी दिव्य कथा जिनके माध्यम से आज मैं तर गया और दिव्य शिवलोक को प्राप्त हो गया। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, महापुराण की तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय। सब लोग हाथों से तालियां बजा देंगे एक साथ। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय। शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नम शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नम शिवाय। शिवाय नमः शिवाय।
धारण करने वाला है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला। जय हो। क्यों हम यहाँ आए, क्या कर्म हमारे,
यही तो कथा कह रही जय हो। रस पान किए जा शिव पूजन में मस्त बने जा सुधा रस पान पिए जा शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए जा शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान पिए जा दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नम शिवाय दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नम शिवाय 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 तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नम शिवाय जप ले नम शिवाय मुख से जप ले नम शिवाय मुख से जप ले नम शिवाय मुख से जप ले नम शिवाय शंकर भगवान की उमापति महादेव की राहत खड़ा करी की जोर से जय कर ला दो शंकर भगवान की पिपलेश्वर महादेव की कुनेश्वर महादेव की कुनेश्वर जोड़िया ना कोई गांव का भी चीज सभी क्षेत्र क्षेत्रेश्वर हैं भगवान भोलेनाथ तो सभी गांव के स्वामी हैं सब जगह से सबकी रक्षा कर रहे हैं सोचो हाँ भक्ति में तल्लीन होकर के जो कोई मनुष्य यहाँ जल धारा दुग्ध धारा अगर भगवान के ऊपर चढ़ाता ना सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं बस यही महिमा है शंकर भगवान की इसलिए तो उन्हें भोले कहा गया आशु शीघ्रम तुष्यति जो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो है शंकर भगवान इसलिए उनका नाम क्या है आशुतोष क्या नाम है बोले आशुतोष भगवान की अब सूत जी महाराज सोनिकादृषि गण को एक दृष्टांत और सुना रहे हैं कौन सा कि समुद्र निकटे देश ग्रामो बास्कल संज्ञ कहा बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोचिता जनाः समुद्र के किनारे पे एक नगर बसता है उस ग्राम का वो गांव बसता है उस गांव का क्या नाम है बास्कल ग्राम क्या गांव है हाँ ये भी बोल याद रखा था सब याद रखा तुम बोल एक एक करके कुछ लंबी परवा अभी आ चक्र में नरकी पंडित जी व्यास जी ने तुम तत्व कुछ पूछना चाहते तुम आइला ना आन छे सब बोलो शंकर भगवान की और उथविल्याण भगवान की दिव्य दायनीय कथा चलनी छे और उत्तरोत्तर जो भगवान की कथा होती है ना तो बहुत और मधुर दायनीय होती है बहुत सुंदर सुंदर इसमें व्याख्यान आएंगे सुंदर भगवान शिव के चरित्रों को आप सुनेंगे तो आपने आना जरूर है सब ठीक है और बोल कल कल लेनी जब तक जुदी लोग और लेनी तगड़ा को ले ला हाथ खड़ा करो भी लेला बस अकेला तो और तभी बुलाने क्योंकि भगवान शंकर की इस दिव्य दानी जो कथा में ना सुनो भगवान जो लोग भगवान की कथाओं में ना औरों को भी बोलते हैं प्रचार प्रसार करते हैं ना तो ये नकी हुए तो वही कथक सुनना की फलमिलन हुए तो वही भी फलमिलन लगा होता LIC का एजेंट होती ना एजेंट एजेंट क्या कर दी कई श्रृंखला बना दी सबको बोलते हैं जी भैया तुम देखो एजेंसी उसका लाभ तुम प्राप्त करो भाई LIC से मिलने वाले जो भी आपको पास में जो भी धन की वृद्धि करने वाले कुछ उसमें सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करो ना तुम खूब बनाते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद क्या करते हैं तुम्हारा कोई ना कोई पॉलिसी बना देते हो ऐसी पॉलिसी बना देते खोल देते हैं तुम्हारे नाम से
तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होती हो, लेकिन उस आदमी के लिए और फायदेमंद हो जाती हो, क्योंकि उसको तो पैसा भी मिल रहा है सुंदर, उसका उसमें भी क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना उसमें। ऐसे ही भगवान के जो ये प्रचार प्रसार करते हैं ना कथाओं का, और अपने साथ में एक ना दो ना चार लाएंगे तो उतना ज्यादा कमीशन हमको भाई फल के रूप में प्राप्त होगा। तो आप सभी लोगों ने लाना है। हाँ कल बोल दो लोग हम बना दिलो जगह कोई बहने शंकर भगवान की भोलेनाथ की। तो आज कह रहे हैं कि एक बासकल नाम का एक सुंदर ग्राम है। गांव तो सुंदर है लेकिन वहाँ का लोग सुंदर नहीं थे। क्यों कैसे हैं वो? बसंत यत्र पापिष्ट, सब पापी हैं, पापाचार में रहते हैं सब, और वेदों को धर्मों को न मानने वाले हैं, न ब्राह्मणों को मानते हैं, न संतों को मानते हैं, न वेदों को जानने वाले हैं, सब दंडी हैं, पापाचार में रहते हैं। उसी ग्राम में, उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। बिंदुक, क्या नाम का? बिंदुक नाम का। गांव कौन सा है? कौन सा है? हाँ बस याद रखे तुम तो रटा देना शिवपुराण कथा पूरी। बासकल नाम के ग्राम में बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भी ऐसे ही है पापाचार्य, क्योंकि वहां गांव के सब लोग ही पापाचार्य, वेदों को न मानने वाले, धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं रखता, बस पापाचार में रत रहता है। वैश्य गमन करता है, विवाह हुआ, उसकी स्त्री का क्या नाम है? चंचुला। उसकी पत्नी का नाम क्या है? चंचुला। बहुत पति प्रायण थी, सुंदर धर्मज्ञ थी, धर्म को मानने वाली थी, लेकिन गांव के लोग और पति देव जो हैं सदैव पापाचार में रहते हैं, और वो उस चंचुला से न प्रेम करता है न उसके साथ में कुछ बोलता है, और वैश्य गमन करता है, बाहर जाकर के वैश्यों में रमण करता है। वो कुछ नहीं बोल पाती अपने पति को, क्या बोले, बेचारी चुपचाप सहती है। एक दिन देखो संग जैसा होता है, जैसे तुम आसपास का माहौल देखते हो ना वैसे ही हमारा मन भी बन जाता है, क्योंकि पूरे ग्राम के लोग सब पापाचार्य हैं, ऐसे ही दुराचारी हैं, उसका पति स्वयं दुराचारी है, तो उसको भी वही लत लग गई। जब पति प्रेम नहीं करता तो बाहर जा करके पर पुरुषों में रमण करने लग जाती है, कोई व्यभिचारिणी बन गई, व्यभिचारिणी बनी हुई। वहां एक दिन पर पुरुष के संग में रत हुआ, उसे देखा उसके पति ने, बिंदुक नाम के पति ने, उस ब्राह्मण बिंदुक ने देखा तो तुरंत उसको आकर के पहले तो बहुत मुखोश है मारा, बहुत मारा उसने, तूने ऐसे कैसे कर्म कर दिया, मैं पति हूं तेरा और तू बाहर पर पुरुषों के संग कर रही है, तो तुरंत आज उससे भी सहा नहीं गया, उसने हाथ जोड़ करके ही बोला, क्रोध में आकर के, लेकिन शील स्वभाव से बोला उसने, चंचुला ने, देखो स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे ब्याह करके लाए थे, लेकिन अगर मेरी तरफ देखोगे तक नहीं, मुझसे प्रेम नहीं करोगे और बाहर वैश्य गमन करोगे तो मैं कैसे सह सकती हूँ, और मैं युवावस्था पन्न हूँ, कैसे मैं इस अवस्था से, इस सुख से वंचित रह सकूँ, इसीलिए मैं बाहर जाती हूँ। बिंदुक समझ तो गया, मान गया कि देखो देवी चंचुले, तुम पर पुरुषों का संग तो करो, लेकिन उसके बदले तुम धन उनसे मांगो, यानी कि वैश्या का काम करो तुम, लेकिन उनसे जो धन प्राप्त होगा वो धन मुझे दे दो। वो धन की लालसा में हुआ बिंदुक, अपनी पत्नी को भी वैश्या के चित्र में उतार दिया उसने। अब उसने वो भी मान गई अपने पति की बात, बाहर जाती पर पुरुषों का संग करती, ये विचारणी मान गई। अब कुछ दिनों बाद उसका जो पति है वहां एक दिन पापाचार अनाचार में व्याप्त हुआ और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ कि वहां मरणोपरांत उसकी मुक्ति नहीं हुई, क्या बन गया? विंध्य पर्वत पे जाकर के एक प्रेत का रूप धारण कर दिया उसने, वहां प्रेत बन गया और भटकने लग गया, वह बिंदुक नाम का प्रेत। और यहाँ वह चंचुला भी अब अपनी अवस्था युवावस्था से ज्यों ही उभरी और वृद्धावस्था उसके जीवन में आने लगी, शरीर के अंग अब उनकी झुर्रियां पड़ने लगी उसके मुखमंडल में, वृद्धावस्था पन्न हो गई है,
तब थोड़ा उसे पश्चाताप होने लग गया अपने जीवन में। एक दिन अपने भाइयों के साथ में घूमती घूमती गोकर्ण क्षेत्र में गई तीर्थाटन पे, और वहां एक देवालय की ओर उसकी दृष्टि गई। वहां देवालय बहुत सुंदर, वहां बहुत सारे साधु संत महात्मा विचरण कर रहे थे। सब साधु संत महात्मा एक जगह इकट्ठा थे और ओ भगवान श्याम सदाशिव के स्तुत्य पुराण का वाचन सुन रहे थे। एक ब्राह्मण देवता सुंदर शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे। और उस समय वहां पर चल रहा था नारी धर्म का उपदेश, एक नारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहां पे उन्होंने सुना कि योषितां जार शक्तानां नरके यम किंकिरा संतप्त लोह परिगम क्षिपंती स्मर मंदिरे। जो नारी अपने पातिव्रत धर्म का परित्याग करके पर पुरुषों का संग करती है, अंत में जब वह मरणासन्न होकर के मृत्यु को प्राप्त होती है तो यम के दूत उसे भयंकर कष्ट प्रदान करते हैं। तप्त लोहा, लोहा को गर्म करके उसके गुप्तांग में उसे कष्ट प्रदान करते हैं। ऐसी व्यभिचारिणी वह स्त्री वैसे ही दंड को प्राप्त करती है। और जो ही ऐसे वैराग्य को बढ़ाने वाली इस कथा को उसने सुना, थर थर करके कांपने लगी कि मैंने जीवन में क्या किया है, पापाचारी तो मैंने किया। कांपने लगी। वहां पे तो साधु संतों के मध्य में कुछ नहीं बोल पाई। अंत में जो ही कथा पूर्ण हुई तुरंत ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, हे विप्र देवता कि किम करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोकेस्मिन् पतंतीं नरकार्णवे। बोले महाराज अब आज तो आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपके द्वारा जो सुनाई गई वह कथा सुनी, उस कथा के माध्यम से मुझे पता चला आप शिवपुराण का वाचन कर रहे थे, और जो ही मैंने ये सब सुना मुझे अपने कुकृत्य जो भी थे वो सब याद आने लग गए। मैंने भी जीवन में वैश्यगमन वैश्यवन करके पर पुरुषों का संग किया है, मेरी कैसी गति होगी बताओ ना। तो आज नरक में मेरे साथ में कैसा व्यवहार हम दूत करेंगे। मैंने तो पापाचार में रत रही मैं जीवन पर्यंत, और आज इस कथा को सुनकर के मेरा मन निर्मल हुआ है, मैं वैराग्य को प्राप्त हो रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। अब आप ही में आपकी शरण में आई हूँ। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्म त्वं माता त्वं पिता च उद्धरो धर्मां दीनां त्वामेव शरणं गतां। हे ब्रह्मन् हे ब्राह्मण देवता आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, बस आप ही अब मुझे शिक्षा दीजिए। मैं अपनी उन कुकृत्यों की उस यमदूतों की सजा से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हम के दूत मुझे भी वही सजा दें। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण देवता बोले हे ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव कृपा से तुम्हारा पाप जो है तत्काल भस्म हो जाएगा। मां भैषीर ध्वज पत्नी त्वम शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहता सर्प पापं सद्यो विनश्यति। देवी तुम जाओ भगवान शिव की शरण को ग्रहण करो, तभी जाकर के तुम्हारी कुकृत्य पापाचार सब भस्म हो जाएंगे और तुम मुक्त होकर के शिव को प्राप्त हो जाओगे। कथावाचक ब्राह्मण कहते तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए पश्चाताप की अग्नि में बड़े बड़े पाप भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए जैसे कोई एक दर्पण होता है ना, दर्पण धूप वह जो शीशा होता है जिसमें अपने चेहरे को हम देखते हैं, मानो उस पर बहुत धूल जमी हुई है, और जो ही उस धूल को आपने हटाया एक कपड़े से या जल से उसको पोंछ दिया तो क्या होता है, दर्पण फिर शुद्ध हो जाता है, दिखने लग जाता है उसमें।
ऐसे ही जीवन की पाप पश्चाताप की रूपी उस वस्त्र से जब उस पश्चात दर्पण पे या उस दर्पण रूपी वहाँ जो भी पाप कृत्य है अंधकार रूपी वह धूल रूपी वह दूर हो जाती है शिव रूपी दर्पण से शिव रूपी उस वस्त्र से। इसलिए तुम भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को सुनो। तो आज तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपने ऐसा कर करके मेरे मन को तो हल्का कर दिया है। लेकिन शिव पुराण की इस दिव्य दाई ने इस कथा को सुना हो जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो ब्राह्मण ने आज चंचुला को उसी चंचुला को जिसने जिसको वैराग्य की प्राप्ति हो गई है सुंदर से शिवपुराण की कथा सुनाई और वहाँ जो ही शिवपुराण की कथा पूर्ण हुई तुरंत आज गोकर्ण क्षेत्र में संपूर्ण जो ही वो कथा प्रारंभ हुई तो जिन जिन लोगों ने उस कथा के बारे में सुना कि देखो आज हुई चिकुनगर पिपलेश्वर पिपली की माध्यम सुंदर कथा होनी तो जितने क्षेत्रवासी थे जहाँ जहाँ तक ये सूचना मिली ऐसे ही सब के सब लोग भीड़ तांता लग गया कथा सुनने के लिए। जिस जिसने भी सुना कि ब्राह्मण देवता चंचुला के उद्धार के लिए शिव कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं हमें भी जाना है सब के सब आ गए और भगवान की दिव्य कथा को सब ने मिल करके सुना। चंचुला भी धन्य हो गई तुरंत उन ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु हे ब्राह्मण देवता आपने मेरे मन को मेरे चित्त को शुद्ध कर दिया आज इस शिवपुराण की दिव्य दायिनी कथा को सुना करके और मेरा मन यह शरीर जो है आज पाप मुक्त हो गया। आज शिवपुराण की दिव्य दायिनी कथा को सुन करके मैं मुक्त हो गई हूँ। चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को फिर त्याग दिया मर गई लेकिन त्यागने के बाद उसका शरीर साक्षात ज्यों ही उसके प्राण निकले आत्मा ज्यों ही परम पवित्र शिव स्वरूप बन करके तुरंत आज भगवान शिव के रुद्रगण आ गए शिवगण आए और विमान लेकर के आए और तुरंत चंचुला को उस विमान में बैठाया और सीधे शिवलोक को ले गए। बोले शंकर भगवान की शिव महापुराण की जहाँ उसने भगवान शंकर के दिव्य दर्शनों को देखा। भगवान कैसे हैं कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कैसे हैं कर्पूर गौरम गी गौरीशम सर्वालंकार धारिणम शितभस्म सलदेहम शितभस्त्रम महोज्वलम। भगवान ब्रह्मादि देवताओं से सेवित हैं समस्त ब्रह्मादि समस्त देव पंक्तियों से सुंदर जो शोभायमान हैं भगवान भोलेनाथ अनेकानेक अलंकरणों को शेष त्रिशूल को धारण किए हैं जटा जूट को बांधे हुए हैं तीन नेत्र वाले हैं सुंदर उन अपने अंग में बहुत ही श्वेत को धारण किए हैं ऐसी शंकर भगवान उनके गलों में सर्पों की माला है सर्प हैं लिपटे हुए भुजंग भगवान के अंगों में लिपटे हुए हैं उनके हाथों में भी हैं उनके बाजुओं में भी बंधे हुए हैं ऐसी जो अनंत विभूषित भवसागर तारण के भगवान शिव हैं भोलेनाथ हैं। तुरंत ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके आज भगवान तुरंत उन्होंने प्रणाम किया और उस जब देखो भगवान शिव की कथा को जो सुनते हैं और जो मुक्त होते हैं वो शिव स्वरूप भगवती का स्वरूप धारण करके आज वो चंचुला गई है साक्षात देवी स्वरूप बन करके गई है सुंदर चैतन्य युक्त वह शरीर उसका बन गया है मानो शिव स्वरूप वह बन गई हो। तुरंत आज ऐसे दिव्य दर्शनों को करके उसने भगवान और शिव सहित भवानी पार्वती का भी ध्यान किया माता पार्वती को प्रणाम किया और जो ही प्रणाम किया ऐसी सुंदरा ऐसी उस चंचुला को देख करके भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए तुरंत उन्होंने उनको दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया और प्रदान करते हुए माता सखी तो इतनी प्रसन्न हुई इस चंचुला से कि तुरंत अपनी सखा बना दिया उसे अपनी सखी बना दिया और नित्य प्रति उसके साथ हास्य परिहास करती वो भी भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करते।
सखा बनकर सखी बनकर गया। एक दिन भगवती माता पार्वती से निवेदन किया, हाथ जोड़ा, हे माता, सुंदर स्त्री की माता जी की, गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सेवदा नरैः सौख्यप्रदे शम्भुप्रिये शम्भुप्रिये सौख्य सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। हे गिरिजा, हे माता पार्वती, आप स्कंद की माता हैं, कार्तिकीय की माता हैं, अनेकानेक देवताओं से सेवित हैं आप हैं, सत रज तम तीनों स्वरूप में आप विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु अहम ब्रह्म स्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, आप प्रकृति पुरुषात्मक शक्तियों से युक्त हैं, आप ब्रह्मा जी के स्वरूप में भी हैं, विष्णु स्वरूप में भी आप ही हैं, और श्री शंकर के स्वरूप में भी आप ही शक्ति बनकर के उनके साथ में आप चलते हैं। इसलिए माता आपको हम इस सृष्टि की को बनाने वाली भी आप हैं, इस सृष्टि की रक्षा करने वाली भी आप हैं, पालन करने वाली भी आप हैं, और इस सृष्टि का संहरण करने वाली भी आप ही शक्ति के रूप में हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय जय गिरी पर राज किशोरी, जय जय गिरी पर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दोति गाता, जगत जननी माता, आपकी मैं स्तुति करती हूँ, और जो ही स्तुति की या सुंदर स्तुति करके माता प्रसन्न हो गई और बोला, देवी चंचुले मांगो, जो वरदान मांगोगी ना मैं दूंगी, बोलो ना क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो चंचुला ने हाथ जोड़े और माता जी को प्रणाम किया, बना हे गिरिराज कुमारी, हे माता पार्वती, मेरे पति जो बिंदु का है ना, मैं जानना चाहती हूँ वो इस समय कहाँ है, उनकी मुक्ति हुई कि नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने जीवन पर्यंत पापाचार किए हैं, कहाँ किस स्थिति में इस समय हैं, मरणोपरांत, मैं जानना चाहती हूँ कैसी गति उनकी हुई है, आप कृपा गति बताइए। माता पार्वती ने सुंदर उत्तर दिया, देवी तुम्हारा पति जो है ना, अपने जो पापाचार कृत्यों के कारण आज विंध्य पर्वत पर पिशाच बना बैठा है, बहुत बड़ा प्रेत बना हुआ है। चंचुला को आज हाथ जोड़े और माता पार्वती का पुनः ध्यान किया, माँ देखो यद्यपि वो मेरे पति हैं और न जाने उसने कितने पापाचार अनाचार किया और मेरे को भी उस जीवन में दुख दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका उद्धार हो,
और कृपा करके आप ही बता सकते हैं कि उस प्रेत मुक्त योनि से वो कैसे मुक्त हो। आप कृपा करके उसे प्रेत योनि से मुक्त कराइए। तो आज माता पार्वती ने कहा, देवी तुम्हारा पति केवल मात्र एक ही विषय से मुक्त हो सकता है, उसी शिव पुराण शिव महापुराण की दिव्य दायिनी कथा सुनानी होगी, उसी से वो मुक्त होगा। तो चंचला ने फिर प्रार्थना की, माँ आप ही कुछ कीजिए ना कि जैसे वो मुक्त हो जाए, आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। तो माता चंचला के बारंबार निवेदन करने के माध्यम से माता प्रसन्न हो गई और तुरंत आज माता जी ने सुंदर तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुम्बुरु नाम का जो महाज्ञानी है और उनको बोला, उनकी पूरी व्यवस्था बताई। देखो ये जो है चंचुला है, इसके पति ने अनाचार अत्याचार पापाचार करके जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए और मरणोपरांत वह एक विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बना बैठा है और तुम जाओ हे तुम्बुरु उस पिशाच का उद्धार करो, उस बिंदु का उद्धार करो। आज तुम्बुरु भी तुरंत आज उस चंचुला को लेकर के और उस विंध्य पर्वत पर गया और वहाँ जा कर के पहले उसने उस पिशाच को देखा, भयंकर स्वरूप वहाँ लिए हुए वह बिंदु के नाम का पिशाच। जो ही उसको देखा तो वह तो चंचुला डर गई, ये मेरे पति हैं ऐसे पिशाच स्वरूप में। तुरंत हाथ जोड़े तुम्बुरु महाराज को, महाराज हे गंधर्व राज कृपा करके मेरे पति को मुक्त कीजिए। बोले शिव पुराण से मुक्त तो हो जाएगा लेकिन पहले इसको बांधना पड़ेगा पिशाच को, क्योंकि पिशाच एक सामने टिक नहीं सकता। तुरंत आज उस तुम्बुरु महाराज ने गंधर्व ने उस पहले उस बिंदु के नाम के पिशाच को बंधन युक्त किया, बांधा और बांध करके एक सामने उसको बैठाया बंधनों में डाल करके और तुरंत उसको भगवान शंकर की सुंदर सी दिव्य दायिनी शिव महापुराण की कथा को सुनाया और सुना करके वह मुक्त हो गया, पिशाच से उनसे मुक्त हुआ। सुंदर देव स्वरूप उसने धारण किया, शिव स्वरूप वह बन करके त्रिपुंडधारी गौरवर्ण मानो सुंदर स्वरूप शिव स्वरूप ही हुआ बन गया और वहां प्रकट होकर के भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, दिव्य स्वरूप बन करके वहां शिव धाम को पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे प्रेतों को भी मुक्त कर देते हैं यह दिव्य दायिनी कथा, यहाँ शिव महापुराण की दिव्य दायिनी कथा। आप सभी लोगों ने भी महिमा को सुना, देखो कैसे कैसे पापी से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए सबको मुक्त करना है इस कथा के माध्यम से और आप तो सब पुण्यदायिनी है, इसीलिए तो आपने पुण्य अर्जित किए, इसलिए भगवान की इस दिव्य कथा में सम्मिलित हो पाए। कोई न कोई पुण्य ही हमें इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित करता है और औरों को भी आप लोगों का कर्म है। कल से देखिए इस शिव पुराण को कैसे करना चाहिए, सौनक जी महाराज ने कहा पहले तो सबसे पहले ज्योतिषी से, किसी ज्ञानी ज्योतिषी से इसके शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए और कोई श्रावण माघ इत्यादि महीनों में सर्वश्रेष्ठ कर यह कथा है। आज आप लोगों ने जैसे यहाँ पे सुंदर इस मुहूर्त में श्रावण का महीना वैसे चंद्रमा से प्रारंभ हो चुका है और इस दिव्य मुहूर्त में दिव्य बेला में यह कथा सुंदर अमृत वर्षा तो हो ही रही, सावन का महीना तो अमृत वर्षा होगी होगी है ना। लेकिन इस कष्ट को सकें मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब आप लोग, मैं आया था तो वहाँ पे सब कलश यात्रा के लिए आप खड़े थे तो आपने इंतजार नहीं किया, चलो चलो अब चाहते तो हो सकता था थोड़े रेस्ट करते वहाँ पे कि भाई वर्षा बंद हो जाए तब कलश यात्रा करेंगे क्योंकि सेल्फी भी लेनी होती है आप लोगों को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, तो वर्षा में फोन कैसे निकालेंगे आप लोग। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा नहीं नहीं, चाहे वर्षा कितनी भी भयंकर हो लेकिन हम कलश यात्रा करेंगे ही करेंगे, वो बहुत अच्छा लगा। तो कलश यात्रा उस वर्षा में हुई, चाहे वो अमृत रूपी वर्षा समझ ली हमने, तो भगवान शंकर में सुंदर तरीके से कृपा की और यहाँ पे यहाँ दिव्य देखो उसके लिए सुंदर पांडाल की पहले रचना करें। देखो देखो सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा इतना सुंदर पांडाल बनाया गया है, भगवान शंकर सन्निकट हैं, सुंदर से उनकी स्तुति हुई, आवाहन देवताओं को नग्रहादि गणेशादि देवताओं का आवाहन हुआ, चतुर्लिंग तो भद्र में समस्त अशिजांग भैरवादी देवता का आवाहन हुआ। सुंदर इसे प्रेम पूर्वक करने से सत्संग को महिमा, सत्संग की दिव्य महिमा को जानने के लिए आप लोगों ने बैठ करके भगवान शिव की आराधना सुनी, दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, उनकी महिमा को सुना।
कि भगवान शिव की यह कथा क्या क्या कर सकती है और कैसे कैसे पापियों को तर जाती है। तो इस पुराण की कथा जो कोई भी मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त करता है, और यहाँ पे भेदभाव वाली बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, ये लिख रहे हैं इसी पुराण में। सुंदर से व्यासी को बुला करके व्यासासन नियुक्त करें उनको, हाँ प्रणीत करें ब्राह्मणों को, कम से कम 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करें। तो यहाँ पर 7 ब्राह्मण नियुक्त हैं, और व्यासासीन व्यास जी को भी सुंदर, अगर वो ब्रह्मचारी हो तो बहुत सर्वोत्तम है, बनना गृहस्थी भी हो करके सद्ज्ञानी व्यास होना चाहिए। ये भी पुराण में व्यासासन समारूढ़ो इदा पौराणिको जहां, जो पुराणों का वेत्ता हो उसको व्यास रूप में उसमें स्थापित करें, और सब लोग जो भी आए पहले व्यासासन को प्रणाम करें, शिव दर्शन करते हुए और तुरंत अपना एक आसन ले लें और उस आसन में ध्यानस्थ होकर केवल शिव का ही ध्यान करें। बस शिव महिमा को सुनने के लिए शिव का ध्यान करते ही शिव के ही दर्शनों की लालसा हो मन में भी, बस मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की भक्ति, कर्म भी करें तो भगवान शिव के ही निमित्त, और मन में हो तो शिव ही हो, और हमारी बोली हो जो वाणी से निकले तो शिव का ही नाम निकले। बोले शंकर भगवान की, ऐसे सब लोग बड़े भाव से शिव की इस दिव्य कथा को आयोजित करें और इसको सुने और शिव प्राण के बारे में जाने, शिव के बारे में जाने, इस महिमा को सुन करके सब आज भी जो कोई श्रद्धा बनत हो करके इस दिव्य कथा को सुनते हैं करवाते हैं, उस मुक्त होकर के भगवान शिवलोक को प्राप्त होते हैं, शिव की कृपा होती है। गुरु शंकर भगवान की। आइए अब इस एक भजन, उसके बाद मुझे लग रहा दूर दूर से आप लोग होते हैं तो यही समय रखेंगे हम, ठीक है? तो ठीक, आपका लोग, आप लोगों ने और लोगों को मिलाना है, ठीक है? और क्या करना है? सब लोगों ने दिव्य भाव से कथा सुनी, हल्ला नहीं करो, नहीं छुई नहीं लगाना, और जो कथा सुन तो ध्यान से सुन, क्योंकि मैं पूछ तो तुम तब बोल कि क्या कथा सुन तो मैं बोल, तो याद रखें ही कथा तभी। भगवान शिव की इस पुराण की क्या महिमा है, कैसे कैसे पापी, कौन कौन से पापी इस महिमा के द्वारा तरे, किनका तरण तारण हुआ और शिव लोग को कैसे प्राप्त हुए, ये सब आपके मन में होना चाहिए। शंकर भगवान की। शंकर मृत्युंजय हर बोल, ओ शिव शंकर मृत्युंजय हर बोल, हो मिलू मानस जन्म अनमोल, मृत्यु शिव शंकर मृत्युंजय बोल, शिव शंकर मृत्युंजय बोल, हो मिलू मानस जन्म अनमोल, मानस जन्म अनमोल, शिव शंकर मृत्युंजय बोल, शिव शंकर मृत्युंजय बोल, मिलू मानस जन्म बड़ी
लाटा तेना तनी गवाई यो भी लाटा तेना तनी गवाई हाँ यो भी लाटा तेना तनी गवाई यो भी लाटा तेना तनी गवाई मोह ममता से ओ मोह ममता से अब मुख मोड़ मोह ममता से अब मुख मृत्युंजय बोल भोले शंकर मृत्युंजय
जय बोल हो मिलो मानस जन्म कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर रोग हर शोक हर भय हर दैन्य हर पीड़ा हर सर्वारिष्ट हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की। कल ठीक बजे एक डेढ़ बजे हैं, डेढ़ बजे हमारी संगीताचार्य बैठेंगे, 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और दिव्य दायनी क्योंकि शिवपुराण में कल प्रवेश करेंगे हम लोग, तो आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में आइए। दिव्य आयोजन हुआ है, आप सभी लोगों के माध्यम से ही आयोजन हुआ है। तन मन धन तीनों का सहयोग आपके द्वारा ही हो रहा है और आपके द्वारा ही इस यज्ञ को निभाया जाएगा आज से लेकर के सप्ताह पर्यंत तक, सप्त दिवस पर्यंत तक, 14 तारीख तक पूर्णता है उस दिन इस यज्ञ की। आप सभी लोगों ने आना है। अभी सब लोग अपने हाथ स्थान में खड़े होंगे, आरती होगी, उसके बाद फिर अपने अपने प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे, ठीक है। बिना प्रसाद एक छोड़ने तो सत्यनारायण खत्म खत्म, प्रसाद छोड़ी जो जान फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए प्रसाद लेकर के जाना सब। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। चलिए आज के जो मुख्य यजमान हैं श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी, वो सपत्नी का आकर के आगे आएंगे, आरती को लेकर के आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रांगवायुश प्राखड़े हो जायत। सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे, एक एक करके आएंगे, ऐसा नहीं बच बच के देखे, अपनी व्यवस्था बना के रखना अपने। और बाद में क्या करना, आरती के बाद जब यहाँ से परिक्रमा करके ही प्रसाद यहाँ चरणामृत प्रसाद लाइन से सबको मिलेगा, सबको टीका भी लगेगा, चरणामृत आरती प्रसाद होगा। शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर धांगी धारा ओम हर 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 महादेव हे कानन चतुरा हर हर महादेव अक्षमाला
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
मध्यस्थ द्वयम् ब्रह्मे संगरो बरी अंगलग्न मनुष्याणाम्।